हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इंडियन एयरफोर्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या एयरमैन बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो एयरफोर्स में जाने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लिखा है 10+2, मतलब आपका क्या हो, आप इंटर पास कर चुके हो। ठीक, पहली बात क्या है कि आपने इंटर क्वालिफाई कर लिया हो, और अनमैरिड मेल इंडियन सिटीजन, मतलब आपकी शादी ना हुई हो, ठीक है, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें बात की आती है हमारे ग्रुप की, कि ग्रुप हमारा क्या होता है, X+Y या X+Y। ठीक है, आप जिस ग्रुप को चाहें उस ग्रुप में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है, वो आप समझिएगा कि क्या क्या कंडीशन होती है इसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होती है कि यदि आपने 10+2 जो है विद मैथ फिजिक्स, मतलब मैथ और फिजिक्स में यदि आपने इंटर किया है, तो आप X+Y, मतलब क्या है, तीनों ग्रुप में फॉर्म भर सकते हैं, एक्स में भी, वाई में भी, या X+Y, मतलब सब में फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने किसी अन्य सब्जेक्ट से किया है, तो आप सिर्फ वाई ग्रुप में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और किसी में भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, मतलब क्या होता है कि एक्स ग्रुप के लिए नंबर कितने चाहिए हमारे, ठीक है, वो भी समझिएगा कि अगर एक्स ग्रुप में आप जाना चाहते हैं, तो आपके फिजिक्स सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपके 50% मार्क होना चाहिए, मैथ में 50% मार्क होना चाहिए, इंग्लिश में 50% मार्क होना चाहिए, और टोटल आपके कितने हो चाहिए, 50% मार्क। ठीक है, मैंने आपके सामने सबको लिख दिया है कि फिजिक्स में आपके चाहिए, और मैथ, इंग्लिश और टोटल भी 50% चाहिए, अगर आप एक्स ग्रुप में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि वाई ग्रुप में फॉर्म अप्लाई हो, तो आपके इंग्लिश में 50% हो और टोटल 50% मार्क्स हों, तो आप वाई ग्रुप में फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद में आप बात आती है एज लिमिट, इसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो कितनी हो चाहिए, 16 से 21 साल तक आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ट्वाइस इन ए वन ईयर एग्ज़ाम, मतलब क्या है कि एक साल में इसके 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, एक साल में 2 बार, एक बार स्टार्टिंग में होता है हमारा, मार्च में होता है एग्ज़ाम, एक होता है हमारा एग्ज़ाम सितंबर में। ठीक है, तो 2 बार एग्ज़ाम होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें पेपर किस प्रकार से होता है हमारा। ठीक है, पेपर किस प्रकार से होता है, तो फेज़ वन पेपर में क्या होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। अब देखिए किसमें, मतलब कितने नंबर का आता है और क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए X+Y ग्रुप। ठीक है, X+Y ग्रुप में जो है फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश और लागा, ये 4 चीज़ें हमारी आती हैं, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, लागा। देखिए इसके लिए टाइम कितना मिलता है, हमें टाइम मिलता है 85 मिनट, और हमें कितने मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है पेपर, और टाइम मिलता है 85 मिनट का। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारा क्या है, मतलब कि X ग्रुप। ठीक है, कि X ग्रुप में हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है फिजिक्स और मैथ और इंग्लिश, मतलब आपके जो है फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश के जो है क्वेश्चन होते हैं 20। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल कितने, 70 नंबर का हमारा पेपर होता है। टाइम कितना होता है, 60 मिनट का, टाइम भी देखिएगा और आप मार्क भी देखिएगा। इसका देखिए बाय ग्रुप में फॉर्म अगर डालते हैं आप, तो उसमें आता है लागा और इंग्लिश। लागा किस में होता है, लागा में होता है रीजनिंग होता है, मैथ और GK, और इंग्लिश में सिर्फ 20 नंबर की अंग्रेजी आती है। टोटल कितने का होता है, 50 नंबर का पेपर होता है, और इसके लिए टाइम कितना होता है, 45 मिनट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में लिखा हुआ है कि 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, मतलब अगर आपका प्रश्न का जवाब बिल्कुल करेक्ट है, तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आपको प्रश्न का जवाब जो है आपके गलत है, तो उसके लिए 0.25 मार्क्स जो है आपका माइनस मार्किंग में चलाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर पर मतलब आपका 1 नंबर मिलेगा, और गलत हो जाने पर 0.25 मार्क्स जो है आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, सही वाले से। इसका देखिए इसका रिजल्ट कब आएगा, तो वो भी समझिएगा, रिजल्ट 30 डे आफ्टर एग्ज़ाम, मतलब क्या है कि एग्ज़ाम के 30 दिन के बाद, 25 या 30 दिन के बाद आपका रिजल्ट जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 20 या 25 या 30 दिन के बाद। इसका देखिए आफ्टर क्वालिफाई ऑनलाइन एग्ज़ाम, मतलब क्या है कि अब जब आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, तो देखिए उसके बाद में क्या करना पड़ता है हमें, वो समझिएगा। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारा होता है फेज़ 2। फेज़ 2 में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन आफ्टर इट, मतलब क्या है, फेज़ 2 में जब आप जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपके लिए कोई सेंटर चूज़ करना पड़ता है, और फिर उस सेंटर पर जब आप जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या काम होता है कि वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन होते हैं, चेक होते हैं वहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, आपके वहाँ पर टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होगा वो आप समझिएगा। आपके देखिए टेस्ट होता है PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, तो आपका क्या होता है वहाँ पर, पहले PFT होता है एक टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, नंबर 1 पर रनिंग, आपको वहाँ पर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रनिंग लगानी पड़ती है, कितनी, 1600 मीटर की रनिंग, कितने मिनट में, 6.5 मिनट मिलता है आपको टाइम, और वहाँ पर आप लोगों को 1600 मीटर जो है रनिंग करनी पड़ती है। जो बच्चा रनिंग को क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद में उससे जो है ये काम होते हैं, अगले क्या काम है, पुशअप। पुशअप कितने लगवाने हैं, 10 लगवाने। ठीक है, ओनली 10 पुशअप लगती हैं, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्सअप जो है लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है जब आप इतना काम कर लेते हैं, तो आपका PFT जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, PFT जो है वो क्वालिफाई हो जाता है PFT। उसके बाद आपके और भी टेस्ट होते हैं, समझिए कौन कौन से टेस्ट होंगे, वो भी देखिए। आफ्टर क्वालिफाइंग PFT, मतलब PFT को
आप मतलब क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, एक टेस्ट होता है एडाप्टेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे फिर से तीन टेस्ट होंगे। कौन कौन सा टेस्ट होगा, नंबर एक SRT, DRT और GT, ठीक है। तीन टेस्ट होंगे। SRT का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको सिचुएशन रिएक्शन मतलब स्थितियाँ रखी होती हैं और आपको चूज करना होता है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें आपको क्या मिलता है, देखिए इस वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें मिलता है 45 क्वेश्चन, दिखाया 45 क्वेश्चन 30 मिनट, कि 30 मिनट में वहाँ पर 45 क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है। जो इसे सॉल्व कर लेता है उसके साथ ही आपका एक टेस्ट और बढ़ा दिया गया है DRT, इसमें 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के होते हैं, ठीक है। तो इसे भी हल करना होता है। फिर क्या होता है, इन दोनों का हमारा क्या आता है, टोटल का रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। जो इसे क्वालिफाई कर लेता है उसका आखिरी में टेस्ट होता है एक GD का टेस्ट, ठीक है। GD में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या होता है, 15-15 बच्चों का ग्रुप बनता है और वहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश जो इन्हें बोलने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा GD तो हो गया है। अब देखिए जो बंदा यहाँ पर क्वालिफाई कर लेता है उसको क्या होता है, आफ्टर क्वालिफाइंग दिस, इसको क्वालिफाई करने के बाद अगर आपने देखिए GD क्वालिफाई नहीं कर पाया है तो उसके बाद में क्या करता है, आपको जो है सिर्फ सम्मान की राशि, मतलब आपको यहाँ पर अगर आपने जो है GD क्वालिफाई नहीं कर पाया है तो आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स देते हैं जिसमें आपको एक पटरी, पेंसिल और चाबी का छल्ला वगैरह जो है मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने GD क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद की आपका जो है क्या होता है, मेडिकल के लिए आपका जो है डेट दे दी जाती है, ठीक है, कि आपका किस तारीख को मेडिकल होगा। मेडिकल कब होता है, वो होता है फेज 3 के अंतर्गत, ठीक है। आफ्टर 1 या 2 मतलब 1 या 2 महीने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में देखिए क्या क्या चेक करते हैं, वो देखिएगा, हाइट 1 मतलब 152.5 सेंटीमीटर, इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए पहली बात। चेस्ट क्या होता है, चेस्ट का मतलब होता है कि वहाँ पर कोई नाप नहीं होती है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना होता है, ठीक, 5 सेंटीमीटर। और देखिए हाइट की बात करें तो 55 किलो आपका वजन होता है, ठीक है। ये मतलब लंबाई के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है, सभी को इच्छुक होते हैं इसकी सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो 14,600 रुपये आपको प्रति मंथ, मतलब प्रत्येक महीने आपको 14,600 रुपये मिलेगी, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान। फिर जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद में आप जो ग्रुप एक्स ग्रुप है उसमें आपको जो है सैलरी मिलेगी 33,100 रुपये मिलेगी, और ग्रुप वाई की बात करें तो उसमें मिलेगी 26,900 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको सारी डिटेल आपको दे दी है कि किस प्रकार से हमारा जो है एयरफोर्स का एग्जाम जो है होता है और इसकी सैलरी कितनी होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और किसी भी क्षेत्र में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि अगर वो भी चाहते हैं एयरफोर्स ज्वाइन करना तो उन्हें भी पता लग जाए कि इस प्रकार से क्या होता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।